ओम शांति। संगम युग भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। यह अनमोल समय सचमुच कल्प में केवल एक बार ही आता है, जब भगवान आकर अपने बच्चों का श्रृंगार करते हैं, जब वो भाग्य बांटते हैं, वरदान देते हैं और जन्म जन्म के लिए भरपूर कर देते हैं। हम पूछें अपने से, मेरा संगम युग कैसे बीता? क्या मैंने संगम युग के एक एक क्षण को उतना ही महत्व दिया जितना इसका महत्व है, जितना इसको बाबा वैल्यू देते हैं? ये हमारा एक एक सेकंड बहुत ही मूल्यवान है। बाबा कहते हैं एक एक वर्ष के बराबर है, और हमारा एक एक संकल्प बहुत महान है, हमारा एक एक कर्म भी, हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, हमारा अमृत वेले का योग, मुरली सुनना, सारा दिन सेवा करना या अपने कार्यों में अलौकिक रूप से निष्काम भाव से रहना, ये सभी संगम युग की महानताएं हैं। तो सभी बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, मैंने अपना संगम युग कैसे बिताया है? एक से हमने पूछा, ज्ञान में कितने समय से हैं? 16 साल से। इनके जीवन में समस्याएं बहुत हैं। मैंने पूछा 16 साल में कितने घंटे योग किया होगा, तो उत्तर मिला 16 घंटे। तो देखिए, ये तो संगम युग के महत्व को समझने की बात नहीं है। अगर योग अच्छा नहीं तो जीवन समस्याओं से घिरता जाता है, मन परेशान होता रहता है, क्योंकि अब सभी के कर्मों के हिसाब किताब पूर्ण होने का समय आ गया है। तो फिर से सोचें, मैंने अपना संगम युग कैसे बिताया है? अलबेलेपन में दूसरों को देखते हुए, पर चिंतन करते हुए, तेरी मेरी में, सेवाओं में संघर्ष में, या सेवाओं का आनंद लेते हुए अमृत वेले सोकर बिताया, या अमृत पान करके बिताया, मुरली का रस लिया, या कभी लिया कभी नहीं लिया, कैसे बीता हमारा दिन, कैसे हम बाबा के साथ के अनुभव में रहे, पूरा संगम युग कैसे हमने बिताया, जरा एक नजर डाल लें। और अब पुनः ध्यान दें कि हमारा ये पुरुषोत्तम संगम युग कैसे बीत रहा है? ऐसे तो नहीं कि हम फिर से अलबेलेपन में इस अनमोल समय को व्यतीत कर रहे हैं। चेंज करेंगे अपने को, जितना महत्व इस समय को स्वयं भगवान दे रहे हैं, उतना ही महत्व हमें भी इस समय को देना है। बस हम जितना चाहें अपना भाग्य बना लें, और विचार कर लें अब अच्छी तरह गहनता से कि आने वाले संगम युग के दिनों को हमें कैसे व्यतीत करना है। महान स्थिति में या तेरे मेरे में, उलझनों में या ईश्वरीय मौजों में, प्रतिपल सफल करते हुए या हर क्षण और हर संकल्प दूसरों के बारे में सोच सोच कर उसे व्यर्थ गंवाते हुए अपने जीवन का एक सुंदर प्लान बनाएंगे। ये प्लान ही हमें महान लक्ष्य की ओर ले चलेगा। लक्ष्य भी निश्चित करें और सुंदर प्लानिंग भी करें। लक्ष्य अगर कोई महान बना भी ले, लेकिन उसे प्राप्त करने की प्लानिंग बहुत अच्छी ना हो, तो लक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। लक्ष्य मनुष्य को निराशा के गर्त में ले चलता है। तो सुंदर लक्ष्य भी और उसको प्राप्त करने की सुंदर प्लानिंग भी बनाएं। तो आइए हम आज सारा दिन इस स्वमान में रहें कि मुझ भाग्यवान आत्माओं को ही ये पुरुषोत्तम संगम युग का सुंदर काल मिला है, सुंदर अवसर मिला है, जिसमें मैं अपनी स्थिति को महानतम बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। और आने वाला समय हमारी हमसे डिमांड करेगा कि हमने संसार को देने के लिए स्वयं में क्या क्या भरा है। तो आइए आज अभ्यास करें ये संगम योग। सामने बाप दादा बैठे हैं, जो साकार स्वरूप को इमर्ज कर सकें वो उसे करें, जो अव्यक्त रूप में बाप दादा से मिले हैं उसे देखें। और बाबा ने
अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि बच्चे महान भव, संपूर्ण पवित्र भव, सफलता मूर्त भव, और आज इस तरह इस नशे में रहेंगे, स्वयं भगवान का हमें साथ मिला है। ओम शांति।